क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए. पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 रुपीज कॉइन. ठीक है, ये गुल्लक में 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 100. और 51 रुपी कॉइन, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 50. 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 20. एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 10. तो टोटल सिक्के कितने हो गए, 150 हो गया, 28 करेंगे 170 और 10 180. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 180. कुल सिक्के कितने हैं, 180. इफ़ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स, तो इक्वली लाइकली तो ये कंडीशन है, जो भी प्रॉबर्टी आपकी है यहाँ पे आउटकम्स सारे क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली. तो टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 100 हो गया. तो वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, एक सिक्का बाहर गिरता है जब बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन. तो जब गुल्लक को आप उसे उल्टा करके लाते हैं तो एक सिक्का गिरता है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, तो सिक्का 50 पैसे का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, और 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो यहाँ पे कम्प्लीटली इवेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. ठीक है, देखिए 50 पैसे कॉइन, टोटल कॉइन मिल गया आपको, टोटल पॉसिबल आउटकम 180. 50 पैसे का कॉइन कितने हैं, 100. तो 100 बाई 180, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 10 बाई 18, तो 5 बाई 9. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 बाई 9. विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपये के सिक्के नहीं होने चाहिए, तो 5 रुपये के सिक्के नहीं होंगे. तो 5 रुपये सिक्के काउंट मत करिए, ये 100 50 150 20 170, ठीक है, तो 170 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 180. तो 170 बाई 180 हो जाएगा 17 बाई 18. इसका आंसर ये हो गया. और कम्प्लीमेंट्री वाइज करने चाहेंगे तो पहले 5 रुपये कॉइन का प्रॉबिलिटी निकाल लीजिए, कितना है, 10 सिक्के हैं, तो 10 बाई 180 हो जाएगा 1 बाई 18. फिर नॉट ई का आप कम्प्लीमेंट्री इवेंट का निकालेंगे तो 1 से माइनस करना पड़ेगा, 1 से जब माइनस करेंगे 1 माइनस 1 बाई 18 हो जाएगा 17 बाई 18. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो जो गिवेन वो लिखते हैं, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 50 नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 100. फिर नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना है, ये 50. ठीक, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, इज 20. नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज 10. हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दीजिएगा 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 इज 180. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन, पॉइंट विल बी कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन. ठीक है, तो इवेंट कुछ मानना तो इवेंट मान के कर सकते हैं, और या डायरेक्टली आप वर्ड में भी लिख सकते हैं. इसको इवेंट आप यदि मान रहे हैं ई, तो क्या इवेंट हमारा, कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन, ये हो गया. इसका फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं,
यहाँ लिखिएगा फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट टी इज 100 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 180। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 100/180, 10/18 इज 5/9 आंसर। ठीक है, 5/9 इज आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकेंड पार्ट, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एफ मानते हैं इवेंट को, एफ ले लिया। क्वाइन विल नॉट बी अ रुपीज 5 क्वाइन। तो कितने हैं ये, 100 + 50 + 20। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट एफ, तो ये कितना है आपका 170। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 180। ठीक है, 180। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप पहले फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला के लिए मैंने जगह छोड़ दिया, यहाँ फार्मूला आप लिख सकते हैं। जो फार्मूला गिवन है, फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो फार्मूला है बुक में वो लिखेंगे। इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे, 170/180 सिंप्लीफाई करेंगे, 17/18 आंसर। ठीक है, और इसको आप कम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी करना चाहें तो इसी को कैसे करेंगे, कम्प्लीमेंट्री इवेंट से। और सेकेंड मेथड है हमारा, तो हम क्या करें, यहाँ पे एफ को ये मान लेते हैं, क्वाइन विल बी अ 5 रुपीज क्वाइन। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 10। टोटल पॉसिबल आउटकम इज 180। लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, फार्मूला लिखेंगे इसके बाद। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है फार्मूला का, वैल्यू पुट करेंगे, 10/180 इट इज 1/18। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वाइन विल नॉट बी अ 5 रुपीज क्वाइन, तो उसे किससे डिनोट करेंगे, एफ बार से। वी नो दैट एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट एफ इक्वल टू वन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट एफ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 1 - 1/18 इज 17/18 इज आवर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, गोपी बाय अ फिश। ठीक है, गोपी एक फिश मछली खरीदती है फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, वो एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए, सॉरी, अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश। द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। ठीक है, तो जो दुकानदार है वो एट रैंडम एक फिश जो है अपने टैंक से निकालता है, और जिस टैंक में कंटेनिंग 5 male fish एंड 8 female fish, और उस टैंक में 5 male fish हैं और 8 female fish हैं। सी फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फिश है वो मेल फिश होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं, मेल फीमेल मिला के 5 + 8 = 13। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 13, और हमारा इवेंट है फिश इज मेल फिश। ठीक है, फिश इज मेल, ये हमारा इवेंट है, और टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं, 5। तो 5/18 हो जाएगा। तो इजी था क्वेश्चन ही।
ठीक है, तो स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ फिश इन अ टैंक, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फिश इन अ टैंक, ये हो गया आपका 5 + 18 = 13, यही आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया, ये लिख लीजिएगा। और नंबर ऑफ मेल फिश ये गिवन है 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश ये आपका 8, ठीक है, और ठीक इसमें आपको इवेंट क्या करना है, फीस ऑफ फीस इज मेल, ये हमारा इवेंट हो गया। और इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 13, ये लिख लीजिए स्टेटमेंट, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 13, फेवरेबल आउटकम्स इज 5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, फॉर्मूला पुट करिए पूरा, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 5/13, इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ठीक है, एक गेम हम खेल रहे हैं जिसमें क्या कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कंसिस्ट ऑफ रेस्ट विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटेड वन ऑफ द नंबर, इस तरह से एक गेम है जिसमें एक एरो है स्पिनिंग घूम रहा है और रेस्ट होने पे ये 1 to 8 ये नंबर हैं किसी एक पे ये पॉइंट करेगा, 1 to 8 नंबर है स्पिनिंग एन एरो, एरो घूम रहा है और रेस्ट होने पर 1 to 8 में किसी एक नंबर को ये पॉइंट करेगा, दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है कंडीशन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी 0.8, तो टोटल पॉसिबल हमारा आउटकम कितना है 1 to 8, तो 8 हो गया, इट विल 0.88, इवेंट जो है एरो जो है वो 0.8 को क्या करना चाहिए, पॉइंट करना चाहिए 8 को पॉइंट करे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने 8 कितनी बार इसमें एक बार, ठीक है टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी 8 8 बार, तो हो जाएगा 1/8 इसका इवेंट का, ये सारे इवेंट चार इवेंट है ई1 ई2 ई3 ई4 ले लेंगे, तो ई1 का जो प्रोबेबिलिटी आपके आगे 1/8, ऑड नंबर कितने इसमें 4, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, 4, 6, 8, ये चार नंबर जो हैं वो हमारा इवेंट मैंने बोल दिया 1, 3, 5, 7, ये 4 हमारे ऑड नंबर हैं इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 और टोटल 8 है तो 4/8 1/2 हो जाएगा, नंबर ग्रेटर देन 2 दो से बड़े नंबर कितने हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंट करेंगे कितने आएगा 6, तो नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 फेवरेबल आउटकम्स इज 6/8 हो जाएगा ये 3/4, नंबर लेस देन 9 सब सारे नंबर लेस देन 9 है तो इसका फेवरेबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स दोनों बराबर हो जाएंगे 8, ये श्योर इवेंट हो गया तो इसका हो जाएगा 8/8 1, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है क्या क्या लिखना है, नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर हैं, टोटल नंबर्स, ठीक है टोटल नंबर्स कितने हो गए 8, यही हमारा पॉसिबल आउटकम्स हो गया, यहाँ क्या लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 8, ठीक है ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 8। अब आते हैं इवेंट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज इवेंट इवन लेते हैं, इवेंट इवन का क्या मीनिंग है, एरो पॉइंट एरो पॉइंट्स एट नंबर 8
पीएम ने इवेंट ले लिया, इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं? फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू पॉइंट इवेंट इवन कितने हैं? वन है। टोटल पॉसिबल आउटकम इज एट। तो यहाँ आप फॉर्मूला लिख लीजिए एक लाइन में, सेकेंड में इसकी वैल्यू 1/8। तो हो गया आपका पहले का आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, इसको इवेंट हमने E2 लिया है और क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में? एरो पॉइंटेड ऑड नंबर, एरो पॉइंट्स एट ऑड नंबर, ये क्या है? एन, एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ लिखेंगे कितने हो गए? 4। टोटल पॉसिबल आउटकम इज 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 या फॉर्मूला, और उसके बाद यहाँ आंसर 4/8 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। आगे थर्ड पार्ट, यहाँ पे आप अब इवेंट E3 लेते हैं, कंसीडर किया है नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, एरो पॉइंट, एरो पॉइंट एट और नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, एरो पॉइंट एट और नंबर ग्रेटर देन 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे? 6। टोटल आउटकम्स इज 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला ये 6/8 और ये हो जाएगा आपका 3/4। तो ये हो गया थर्ड सॉल्व। अब फोर्थ पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे इवेंट आप E4 मानिए और क्वेश्चन क्या है? नंबर लेस देन 9, एरो पॉइंट्स 8 और नंबर, ठीक है, लेस देन 9। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन 9, और ग्रेटर के लिए ये वाला साइन यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे था। ठीक है, ऐसे तो वर्ड में लिखना चाहिए, सिंबल में लिखना चाहिए, लिखना चाहते हैं जिसमें लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 8, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 8। फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 8/8 इज 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। ठीक है, देखिए ड्राई थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, सेकेंड नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स एंड द ऑड नंबर। डाई थ्रो करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 to 6, 6 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 2, 3, 5। 3 हो गया 3/6, 1/2 हो जाएगा। नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, 2, 6 को छोड़कर 3, 4, 5, यहाँ भी 3/6, 1/2 है। ऑड नंबर हमारा 1,
5, यहाँ भी 3/6, तीनों का आंसर 1/2 आ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वेन अडाई इज थ्रोन वंस, तो पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6, ये सब लिख देंगे स्टेटमेंट। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, क्या हमने कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर इवन, इवन भी क्या हो गया, अ प्राइम नंबर। ठीक है, इवन भी अ प्राइम नंबर, तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर लिखेंगे, कौन कौन सा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 3, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 3/6 इज 1/2 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और सेकेंड पार्ट E2 भी क्या करें, ऑड नंबर है, नहीं, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, बी अ नंबर लाइंग, बी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, सिंबल के फॉर्म में क्या ले सकते हैं इसको, 2 एंड 6। ठीक है, ई टू बी ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो ये हमारा इवेंट हो गया। तो इसके जो आउटकम से क्या क्या हो सकते हैं, 3, 4, 5, हाँ 6 नहीं हो सकता, 2, 3, 5 आर पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 3। ठीक है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, ये फेवरेबल आउटकम्स है रिलेटेड टू इवेंट ई, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी का, फार्मूला जब लिख लेंगे तो वैल्यू पुट करिएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट, लेट E3 बी क्या है, ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर, E3 बी एन ऑड नंबर। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या क्या है इसके इवेंट का, E3 से, तो आउट हो जाएगा 1, 3, 5, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 3, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6। ठीक, फॉर्मूला, यहाँ फार्मूला पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे 3/6 इज 1/2 इज आंसर। ठीक है, ये हो गया, और ठीक है, तीनों तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड, एक कार्ड निकाला जा रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। ठीक है, फोर्थ में है जेक ऑफ हार्ट और स्पेड अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो ये 6 पार्ट गिवेन है, सबको E1, E2, E3, E4, E5, E6 ले लेंगे। ठीक है, ओवरली देखिए कर रहे हैं हम, किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में कितने किंग होंगे, 2, एक आपको डायमंड का मिलेगा और एक हार्ट का मिलेगा, एक डायमंड का एक हार्ट का। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं पान का और ईट का। ठीक है, राजा मिल जाएगा आपको, तो 2 मिलेंगे, तो 2/52 1/26 हो जाएगा। फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड हर एक,
ठीक है। तो इसमें टोटल जो चार ग्रुप हैं 52 कार्ड में, ठीक है, जिसमें 13 कार्ड हैं, तो हर एक ग्रुप में कितने फेस कार्ड हैं? तीन, किंग, क्वीन और जेक, टोटल ग्रुप है चार, तो हो गया 12 फेस कार्ड हो गया, 12 by 52 सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका 12 by 52 कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 3 by 13, 3 by 13। रेड फेस कार्ड, ये तो दोनों रेड और ब्लैक दोनों मिला के था, रेड में एक डायमंड में 3 फेस कार्ड हो जाएगा, एक आपका डायमंड और हार्ट, हार्ट में 3 फेस कार्ड आ जाएंगे, तो हो जाएगा 6 by 52, और इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 by 26, ठीक है। जेक ऑफ हार्ट, हार्ट हार्ट में जेक कितने होते हैं? सिर्फ एक, तो 1 by 52। स्पेड, स्पेड चार ग्रुप में से एक ग्रुप का नाम है, तो इसमें कितने कार्ड हैं? स्पेड के 13 कार्ड है, 13 by 52 हो जाएगा 1 by 4। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितने क्वीन है? सिर्फ एक, तो 1 by 52, तो ओरली मैंने कर दिया है, चलिए अभी लिख के दिखाते हैं, ठीक है, ओरली कर लिया, अब रिटर्न करके दिखाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52, ये जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। आते हैं, अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, तो जो ये क्वेश्चन पूछा है ना, कार्ड विल बी अ किंग ऑफ रेड कलर, इसे इवेंट इवन मान लेंगे, और किंग ऑफ रेड कलर दो होंगे, एक डायमंड और ईट में, टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 52। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 by 52 इज 1 by 26, 1 by 26 ये हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, इसको इवेंट आप E2 मान लीजिए, कार्ड विल बी अ फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड किसका किसका होगा? हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12, टोटल आउटकम इज 52। E2 जो है ये आ गया 12 by 52, ये 4 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 by 13, 3 by 13 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, इसको इवेंट D3 आप कंसीडर कर लीजिए, कार्ड विल बी अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए, दीदी यहाँ टोटल 12 जो था वो टोटल फेस कार्ड है, और रेड कलर कितने हैं? एक डायमंड में, 3 डायमंड में और 3 आपको हार्ट में, दी हो जाएंगे 6, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 52, और इसकी फॉर्मूला लिखना है, और इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 6 by 52, ये कितना हो जाएगा 3 by 26 आ गया। अब फोर्थ बार देखते हैं, फोर्थ पार्ट में देखिए कार्ड क्या होना चाहिए, जेक ऑफ हार्ट, तो आप इसको E4 कंसीडर कर लेंगे इवेंट को, और जेक ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट, हार्ट जो ग्रुप है डेक में, उसमें जेक मीन्स गुलाम कितने आएंगे? सिर्फ एक, टोटल कार्ड इज 52, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है, फार्मूला लिखने के बाद लिखिएगा 1 by 52, 1 by 52 आंसर। और अब आते हैं फिफ्थ पार्ट, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, E5, स्पेड, स्पेड, ठीक है, क्या बोला, कार्ड विल बी ए स्पेड, स्पेड ग्रुप है, इसमें टोटल 13 कार्ड हैं, ये हो गया टोटल कार्ड, और जब इसका प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे E5 का,
तो 13/52 ये 1/4 ठीक है। फिफ्थ पार्ट हो गया सिक्स पार्ट, इसको आप E6 कंसीडर कर लीजिए, क्वीन ऑफ डायमंड, कार्ड विल बी अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितने क्वीन है, सिर्फ एक, टोटल कार्ड 52, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई, फॉर्मूला लिखने के बाद लिखिएगा 1/52। कार्ड के बारे में मालूम है तो आप आसानी से कार्ड के प्रॉबर्टी क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है। अगला भी क्वेश्चन कार्ड का ही है ठीक है। फाइव कार्ड 10 J Q King S ऑफ डायमंड आर वेल सफर विथ देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम, एक कार्ड निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रॉबर्टी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन की प्रॉबर्टी, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड ठीक है, क्वीन को निकाल के अलग रख दिया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज एन एक, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी और क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी ठीक है। ठीक है तो ये भी देखिए ओरली इजी क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 5, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 5, एक कार्ड निकाला जा रहा है क्वीन का, तो क्वीन कितने हैं 1, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, एक एक जो कार्ड है क्वीन का वो निकाल के अलग रख दिया गया है ठीक है, पुट असाइड, तो क्या हो गया प्रॉबर्टी देर द सेकेंड कार्ड, तो अब कार्ड कितने बचे 4, सेकेंड कार्ड क्या होना चाहिए एक का एस का, तो एस का कितने कार्ड एक है, तो 1/4 क्वीन है इसके अंदर, अब क्वीन नहीं है, तो क्वीन नहीं है तो 0/4 इज 0, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ टोटल 5 कार्ड्स लिख लेंगे, पहले आप जो भी गिवन है 5 कार्ड्स, तो टोटल नाम लिख लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 5 हो गया ठीक है। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, तो प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज द क्वीन, तो कार्ड इज द क्वीन को इवेंट को इवन मान लिए हमने, क्वीन कितने हैं एक, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हो गया 1/5 ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए, पहले कंडीशन लिख लिए, व्हेन द जो ये लिखा हुआ है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ये लिख लेंगे, यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे जो दिया हुआ है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज नाउ 4, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 4, तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज नाउ 4 ठीक है। अब E2 इवेंट क्या कंसिडर करेंगे, 3 हो जाएंगे E2 और E3, E2 क्या मान लेंगे, द सेकेंड कार्ड इज एन एस, ये मानकर नंबर ऑफ एस कार्ड इज 1, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 4 ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 तो ये हो जाएगा 1/4 ठीक है। इसमें भी पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट ए है ये ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं ठीक है। सेकेंड कार्ड जो ये पूछ रहे हैं बी पार्ट में, वो कह रहे हैं कि क्वीन होना चाहिए, चलिए इसे इवेंट को E3 ले लिए, क्या लिखेंगे, सेकेंड कार्ड विल बी क्वीन, इसकी प्रॉबर्टी, तो क्वीन कार्ड कितना है 0, टोटल कार्ड कितने हैं 4 ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे और वैल्यू पुट किए, 0/5/4 इज 0, इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। 12 इफेक्टिव पेंस आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस ठीक है, तो 132 अच्छे पेन में जो है 12 डिफेक्टिव पेन उसमें मिला दिया गया है एक्सीडेंटली,
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव. चलिए, वन पेन इज टेकन आउट इट रेंडम फ्रॉम दिस स्लॉट, डिटरमाइन द प्रॉबर्टी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि आप देख के बता पाएँ कि वो अच्छा है ख़राब है. एक टेम आप एक पेन जो है आप वहाँ से निकाल रहे हैं, तो अच्छे पेन की प्रॉबर्टी, तो टोटल पेन कितने हो गए, 132. ठीक है, 132 में 12 ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन इज 144. ठीक है, तो उसमें से अच्छे पेन कितने हैं, 132. तो 132 बाई 144 ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में, तो यहाँ आप लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ गुड पेन, तो ये आएगा आपका 32, डिफेक्टिव पेन इज 12, तो टोटल नंबर ऑफ पेन 132 प्लस 12 ये आ गया आप 144, तो ये आ गया टोटल पॉसिबल आउटकम आ गया आपका. ठीक है, अब इसमें क्या है पूछा है हमसे, टेकन आउट इज अ गुड वन, तो इसके इवेंट को आप ई मान लीजिए. ठीक है, पेन टेकन आउट इज अ गुड वन ऐसा लिख कर इवेंट को, कितने हैं गुड वन, 132, टोटल पॉसिबल आउटकम है 144. तो फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऐसा लिख कर 132 144. ठीक है, इसे आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड होगा किससे, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 वन जा 12 टू जा, हो गया 16. आप 17 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन, लॉट के मीन्स ग्रुप, तो 20 बल्ब का एक ग्रुप है जिसमें 4 खराब हैं. वन बल्ब इज ड्रॉन इन रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो सिंपल है 4 by 20 1 by 5. सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव इज नॉट रिप्लेस्ड. ठीक है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन इन रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. ठीक है, ये बल्ब है ड्रॉन इन, ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया. सेकेंड वाला देखिए, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन क्वेश्चन फर्स्ट, नॉट डिफेक्टिव नॉट रिप्लेस, वो डिफेक्टिव नहीं है उसे रिप्लेस नहीं किया जा रहा, एक बल्ब निकाल लिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे, 19. और ठीक है, और डिफेक्टिव कितने, 4 है, तो उस समय डिफेक्टिव जो अच्छे नॉन डिफेक्टिव जो बल्ब था वो कितने थे, 16. तो जब उसे निकाल कर अलग रख दिया गया है, तो अब इसमें नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 15 हो गए. तो बोला है फिर एक बल्ब निकाला जा रहा है, एक बल्ब निकाल के रखने के बाद दूसरा बल्ब निकाला जा रहा है फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव कितने अब 15 और टोटल बल्ब है 19, तो 15 by 19 15/19. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं हमारे पास, 20. डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4. नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, 20 - 4 इज 16. तो ये गिवन था डाटा, हमने लिख लिया. अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट ही है, बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रॉबर्टी फाइंड करना है, बल्ब इज डिफेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिख लिया हमने, इवेंट इवन ले लेते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, बल्ब इज डिफेक्टिव. ठीक है, तो इवेंट हमारा बल्ब इज डिफेक्टिव हो गया, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स इज 4, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 20. यहाँ फॉर्मूला लिखिए. ठीक है, तो ये जाएगा 4 by 20 1 by 5.
ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, नाउ सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, कंडीशन जो लिखा है वो लिखें, जो पहली लाइन लिखा है ना, बल्ब इज डॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद स्टेटमेंट, नाउ नंबर ऑफ बॉल 20 माइनस 1 इज 9, नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स, तो वो बोला नॉट डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव बॉल जो चार थे शुरुआत में वो अभी भी रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉल्स, तो पहले कितने थे 16, 1 माइनस हो गया 15, ये डाटा नया डाटा आ गया हमारे पास। प्रॉबर्टी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, इसे आप E2 मान लीजिए, लेट E2 बी द इवेंट, क्या है, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए 15, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 19। ठीक है, इसके बाद यहाँ E2 का फॉर्मूला और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15/19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, एक बॉक्स में 90 डिस्क है और सब पे नंबर लिखा है 1 to 90, 1 से 90 है। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स सिर्फ बॉक्स में से एक डिस्क जो है आप रेंडमली इसको निकालिए, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर, तो इसमें दो डिजिट नंबर होना चाहिए, तो टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक, तो मतलब कि 1 से 9 तक सिर्फ 9 नंबर हैं इसमें जिस जो वन डिजिट है, बाकी जो 81 नंबर जो हैं वो टू डिजिट नंबर है, तो 81 इसकी जो प्रॉबर्टी हो जाएगी वो 81 बाई टोटल नंबर इज 90, 81/90 तो आपका हो जाएगा 9/10, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 के बीच में कौन कौन सा है, तो एक 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर आपका 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, और 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, तो 100 हो गए इससे बाहर, तो कहाँ तक जाएंगे हम, 9 का स्क्वायर 81 तक जाएंगे, ये टोटल नंबर आप काउंट करेंगे कितने आएंगे 9, तो इसका हो गया फेवरेबल आउटकम्स 9, टोटल पॉसिबल आउटकम 90, तो 9/90 1/10 आ गया इसका। अब आते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5, इसी तरह से आप स्टार्ट करेंगे 5 से लिखना, नंबर डिविजिबल बाय 5 जो होगा 5 होगा, फिर 10, इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे और 90 तक जाएंगे आप, तो इस तरह से आपको कितने नंबर मिलेंगे काउंट कर लीजिएगा, आपको 18 नंबर मिल जाएंगे, तो 18/90 हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क सबसे पहले लिख लीजिए आप 90, ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, तो इवेंट मान लिया हमने E1, E1 क्या है, E1 भी ठीक है नंबर टू डिजिट नंबर, क्या है हमारा इवेंट, टू डिजिट नंबर, अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी इट बी अ टू डिजिट नंबर, तो यहाँ लिखेंगे इवेंट विद द इवेंट क्या होगा, अ डिस्क बी अ टू डिजिट नंबर, ऐसा लिखने के बाद टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर इसका फेवरेबल आउटकम चाहिए हमें, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 10, 11 से काउंट करते जाएंगे आपका 89 और 90 तक, ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया, सॉरी फेवरेबल आउटकम हो गया। इसको जब काउंट करेंगे तो हम कैसे निकाले थे, टोटल हमारा 90 है, 1 से 9 तक वन डिजिट नंबर उसे माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ गया 81, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 81, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 90। ये आप फॉर्मूला लिख कर ठीक है, कितना आ गया ये 81/90 1/9 मिल गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए,
लेट करिए, ई टू बी क्या है, डॉस डिस्क बियर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा लिख कर कौन कौन से हैं, 1, 4 और 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर इज 81, इसके बाद 100, तो 90 से वो बाहर चला जाएगा। तो काउंट करिएगा, ये टोटल फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे पास 9, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 90, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू से लिख कर 9/90, 1/10 इस तरह से हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट जो है, इसको इवेंट E3 ले लेते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो कौन कौन सा नंबर है, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, फिर 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। काउंट करिएगा ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगा आपका 18, पॉसिबल आउटकम इज 90। फॉर्मूला लिखिएगा और इसके बाद वैल्यू पुट करिए, 18/90 इज 1/5। तो चाइल्ड हैज डाई, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, अ चाइल्ड हैज डाई हुज सिक्स फेस शोज लेटर एज गिवन बिलो, ABCDEA। तो सबसे पहले वो जो नॉर्मल डाई जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसका ये डाई नहीं है, ये अलग से डाई है, इसके फेसेस अलग हैं, 1, 2, 6 नहीं है। तो जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे हम, तो ये सिक्स फेस हो गए। डाई इज थ्रोन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है 1, 2, 8 टोटल काउंट करेंगे तो ये हो गया 6। डाई इज थ्रो वन से एक बार फेंका जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए कितनी बार है, 2 बार, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2, पॉसिबल आउटकम्स टोटल जो है 6, 2/6, 1/3। डी कितनी बार है, 1 टाइम्स, पॉसिबल आउटकम 6 टाइम्स, तो 1/6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ टोटल जो आउटकम्स है डाई के वो लिख लीजिए, ए बी सी डी ई और फिर से आया है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इवन इवेंट कंसीडर करके, इवन बी गेटिंग ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ये इवेंट है, ए कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स, पॉसिबल आउटकम 6 टाइम्स, ये फॉर्मूला और ये वैल्यू 2/6, 1/3 इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। और आते हैं इसे सेकेंड पार्ट पे, इवेंट इवेंट ऑफ गेटिंग डी, ठीक है, इवेंट क्या है, डाई सोन डी, सिंबल डी शो करे, तो कितनी बार शो करेगा, 1 टाइम्स, पॉसिबल आउटकम्स इज 6 टाइम्स, एंड फॉर्मूला लिखने के बाद ई टू जो होगा 1/6 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया है क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, सपोज यू ड्रॉ अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन फिगर 15.6। एक रेक्टेंगुलर रीजन है, एक डाई जो है एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन फिगर, इस फिगर में हम एक डाई को ड्रॉप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड सर्किल, सर्किल के इनसाइड लाई करने का, लैंड करने का क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, और सर्किल का डायमीटर 1 मीटर स्क्वायर। तो जो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जांपल में कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है,
इस टाइप के दो क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 से पहले जितने क्वेश्चन हमने किया सब में नंबर थे, नंबर काउंट करके हम फेवरेबल आउटकम निकालते थे और पॉसिबल आउटकम निकालते थे। तो सारे क्वेश्चन जो है वो नंबर पे बेस्ड थे, सारे नंबर काउंटिंग नंबर थे। और वैसे प्रोबेबिलिटी को हम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कहेंगे, वहाँ एग्जांपल में भी यही समझाया गया था, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जांपल और आपके सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन होंगे नंबर के बेस पे होंगे, मतलब काउंटिंग करे, काउंटिंग कर सके। तो ये क्वेश्चन और एक एग्जांपल में दो क्वेश्चन था, एक डिस्टेंस पे लेंथ काउंट, लेंथ आपको मेजर करना था, काउंट नहीं करना था, ठीक है। तो उसमें लिखना था नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 में था और क्वेश्चन नंबर 11 में ये था। तो यहाँ फार्मूला चेंज हो गया था। तो यहाँ जैसे लिखे थे सब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो जब ये लेंथ, जहाँ लेंथ हमें मेजरमेंट करना है, जहाँ काउंट नहीं कर सकते हैं, हमें मेजरमेंट करना होगा, तो फार्मूला चेंज करके डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फेवरेबल टू इवेंट ही टोटल डिस्टेंस। और यहाँ पे इसी पे बेस क्वेश्चन हमारा एग्जाम क्वेश्चन 20 है, यहाँ एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो डिस्टेंस फार्मूला था, अब वहाँ एरिया हो जाएगा, एरिया फेवरेबल टू इवेंट ही टोटल एरिया इन विच टोटल पॉसिबल एरिया। तो इस बेस पे क्वेश्चन होंगे दोनों ही, ठीक है, जहाँ पे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, फाइनाइट, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा फाइनाइट आउटकम्स हों, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, उस बेस पे हम फॉलो करेंगे। जैसे ही हमारा कंडीशन चेंज होता है, जहाँ पे हम जो आउटकम्स है वो फाइनाइट ना हो, फेवरेबल आउटकम्स फाइनाइट ना हो, यदि डिस्टेंस के फॉर्म है तो डिस्टेंस, तब वहाँ पे हम डिस्टेंस मेजरमेंट करके लिखेंगे, ठीक है। और जब एरिया के फॉर्म में होंगे तो एरिया मेजर करके निकाल के लिखेंगे, वहाँ पे वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के फॉर्म में निकालेंगे। तो मतलब कि कंडीशन चेंज होने पर तो हमारा फार्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे, वहाँ लिखेंगे एरिया फेवरेबल टू इवेंट ही एंड टोटल पॉसिबल एरिया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको। तो टोटल पॉसिबल एरिया जो हमें गिवेन है वो रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ कर लेंगे 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारा इवेंट जो है हमारा ये है कि जो डाई विल लैंड इनसाइड द सर्किल, ये हमारा इवेंट है। तो इवेंट का जो फेवरेबल एरिया है हमारा, ये सर्किल का एरिया है, तो सर्किल का पाई आई स्क्वायर से निकाल लेंगे। आर जो है डायमीटर का हाफ हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दो लाइन लिख कर, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ मीन्स 3 × 2 मीटर स्क्वायर। तो टोटल पॉसिबल एरिया आ गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर। दो स्टेटमेंट यहाँ लिखना है, सुन के लिख लीजिए, टोटल पॉसिबल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया। अब आते हैं एरिया ऑफ सर्किल, किसके लिए, देखिए सर्किल के लिए आपका डायमीटर गिवन है, कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं आप, 1 मीटर। तो रेडियस जो होगा d/2 मीन्स 1/2 मीटर स्क्वायर। तो जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 1/2 स्क्वायर पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ठीक है, इवेंट मान लीजिए इसको ई, ठीक है, इवेंट ई क्या है, इवेंट क्या होगा, डाई विल लैंड इनसाइड द सर्किल, डाई विल लाई इनसाइड द सर्किल। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, एरिया फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल एरिया, ठीक है, एरिया फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल एरिया, ऐसा लिख कर स्टेटमेंट, तो ये हो गया आपका पाई बाई फोर
टोटल एरिया इज 6, ठीक है। तो ये 6 और 4 दोनों इंटू होके पाई बाई 24 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, पाई बाई 24 मीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। फॉर्मूला वगैरह सुन के लिख लीजिए, स्टेटमेंट सुन के लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेंस ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। ट्वेंटी वन देखिए क्या है, लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, ठीक है। 144 बॉल पेन का ग्रुप है जिसमें से विच आर 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड, 20 खराब हैं बाकी अच्छे हैं, तो कितने हो गए टू गुड वन, गुड पेन की गुड पेन कितने नंबर हैं, 20 माइनस करेंगे 124, तो 20 डिफेक्टिव एंड 124 नॉन डिफेक्टिव। और क्या है, नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज़ गुड, ठीक है, पेन अच्छा होगा तभी वो खरीदेगी, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, चलिए खराब होने पर नहीं खरीदेगी। तो शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन एट रेंडम गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट, तो तभी खरीदेगी जब अच्छा पेन होगा, तो अच्छे पेन की प्रॉपर्टी ये पूछा है, तो वो कितने हैं अच्छा पेन 124, टोटल पॉसिबल आउटकम 144, तो 124 और 144 ये कर लेंगे इसमें, ठीक है। 124 फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 31/36 आ जाएगा। सी विल नॉट बाई इट मतलब कि क्या है, ख़राब पेन मिलेगा, तो ख़राब पेन जो है वो कितने हैं 20 बाई 144 करेंगे, तो ये आपको 4 से फिर इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 5/36 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो डाटा गिवन है वो लिख लीजिए, सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स, क्या और एक स्टेटमेंट ये लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये कितना हो गया 144, दो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल इज 20, ठीक, और नंबर ऑफ गुड पेन या नॉन डिफेक्टिव पेन ऐसे लिखेंगे, तो 144 माइनस 20 करेंगे आप तो ये 124 आ जाएगा, हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं इसके जो फर्स्ट पार्ट गिवेन है कि सी विल बाय इट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है सी विल बाय इट, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन यहाँ लिख कर 21 का फर्स्ट पार्ट पूरी कंडीशन लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में गिवेन है, क्वेश्चन से ही लिखेंगे, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड, स्टेटमेंट ऐसा लिख कर इफ इट इज़ गुड, ठीक है। तो नंबर ऑफ गुड पेन, चलिए इवेंट पहले मान लेते हैं, लेट इवेंट इवन, क्या है सी विल बाय इट ऐसा पूरा लिख कर, तो इसका फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, जितने अच्छे पेन हैं 124 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना 144, ये दोनों मिल गए फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इवेंट भी हो गया सी विल बाय इट। तो इवेंट इवन फॉर्मूला लिख कर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 144, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 31/36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सी विल नॉट बाय इट इफ इट इज डिफेक्टिव, पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे और इसके इवेंट को ई टू कंसिडर कर लेंगे, इसका फेवरेबल आउटकम डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पेन 20 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 144 है, ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिख कर, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लिख कर फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे 20/144 और इसको डिवाइड कर लेंगे 5/36, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है और इसके बाद आगे के क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। 22 इसमें क्या रहेगा, रेफर टू एग्जांपल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल पूरा कंप्लीट करना है हमको,
पहले तो पहला क्वेश्चन है टेबल कंप्लीट करिए। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड पॉसिबल आउटकम जो गिवेन है 2 से लेके 11 तक और टोटल पॉसिबल आउटकम्स एंड 12। देयरफॉर ईच ऑफ द आइटम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। डू एग्री विद दिस एग्रीमेंट जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टेटमेंट सही है गलत है ये बताना है आपको। हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम 2 से लेकर 12 तक है और इसका नंबर टोटल नंबर 11 है और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। ठीक है, ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट को। तो ये तो एग्जांपल देख के ये अभी इसका फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ब्लैंक को फिल करेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी देखिए सबका अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी 1/11 दिया है वो सही नहीं दिया हुआ है, इसके स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं है। और इसका आंसर यही है जस्टिफिकेशन कि सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36 नहीं है, किसी की 1/36 है। जो यहाँ भरेंगे उसके हिसाब से हम बताएंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे भी हम।